अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नए लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन, इंसानी दिमाग। तो सबसे पहले हम इसकी एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर हम इसकी बनावट को डिस्कस करें तो जो हमारा ब्रेन है ये तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इसका सबसे पहला हिस्सा फोर ब्रेन कहलाता है, इसका दूसरा हिस्सा मिड ब्रेन कहलाता है और इसका तीसरा और आखिरी हिस्सा हाइंड ब्रेन कहलाता है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो सबसे पहले हम फोर ब्रेन के हिस्सों को डिस्कस करेंगे। हमारा जो फोर ब्रेन है ये तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इसका सबसे पहला हिस्सा, इसको हम कहते हैं सेरिब्रम। इसका दूसरा हिस्सा, इसको हम थैलमस कहते हैं। और फोर ब्रेन का जो तीसरा हिस्सा है इसे हम कहते हैं हाइपोथैलमस। हमारे फोर ब्रेन के तीन हिस्से होते हैं, सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। उसके बाद मिड ब्रेन का कोई हिस्सा नहीं होता। हमारा जो हाइंड ब्रेन है ये भी फर्दर तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। जो सबसे पहले वाला हिस्सा है इसका नाम है सेरिबेलम। इसका दूसरा हिस्सा पोन्स और इसका तीसरा और आखिरी हिस्सा उसको हम कहते हैं मेडोला ओब्लांगीटा। ये तो हमने डिस्कस की इसकी कंपोजिशन। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा हिस्सा कहां पर मौजूद होता है। तो हमारा जो फोर ब्रेन है इसका पहला हिस्सा है सेरिब्रम। ये हमारे दिमाग का, जैसा कि आप इस मॉडल में देख सकते हैं, ये हमारे दिमाग का सबसे ऊपर वाला और सबसे बड़ा हिस्सा होता है और ये फर्दर टू पोर्शन में डिवाइड होता है। यहाँ से एक हिस्से को कहते हैं हम दायां सेरिब्रल हेमिस्फीयर और दूसरे हिस्से को हम बोलते हैं बायां सेरिब्रल हेमिस्फीयर। उसके बाद दूसरे हिस्से का नाम है थैलमस। ये सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे वाक्य होता है, स्मॉल साइज में होता है। और तीसरे हिस्से का नाम है हाइपोथैलमस। उसके बाद इसके दूसरे हिस्से का नाम मिड ब्रेन है, ये बिल्कुल स्मॉल साइज का होता है और इसके फर्दर कोई हिस्से नहीं होते। तीसरे हिस्से का नाम है हाइंड ब्रेन, ये भी तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ओब्लांगीटा। तो सेरिबेलम जो है हमारा दिमाग के पिछले हिस्से में वाक़ होता है, सेरिब्रम के पिछले हिस्से के नीचे। जो सेरिबेलम है ये सेरिब्रम के पिछले हिस्से के नीचे होते हैं और जो पोन्स है ये बेजवी शक्ल की साख्त होती है और ये मिड ब्रेन के नीचे होते हैं। और आखिरी हिस्सा मेडुला ओब्लांगीटा है हमारे दिमाग का, जो आगे बढ़कर हमारी स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक ह्यूमन ब्रेन, इंसानी दिमाग। अब मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम।